यस आपके वर्क में काफी टाइम से देख रहा था। वैसे मैं हमेशा चाह रहा था कि मैं आपके साथ लाइव जरूर, आपके ओके वर्क में जो रियलिस्टिक वाली जो फील है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। और थैंक मुझे लगा कि जो आज हमारी व्यूवर्स है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी आपकी जो इतने इतना लंबा एक्सपीरियंस है जो आपका, और इतना गहरा एक्सपीरियंस है आर्ट में, वो बहुत लोगों को आज काम आने वाला है। यस जरूर सो जरूर। सबसे पहले अमित जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की रूटीन कैसी है अभी के सिचुएशन में? अभी के टाइम आपका डेली रूटीन क्या है? आप डेली कितने रूटीन टाइम में आर्ट को आर्ट तो देते रहता है, हो? मतलब ओके लॉकडाउन हो कोरोना हो कुछ भी हो, रोज का प्रैक्टिस चालू चालू ही रहता है। स्केचिंग हो, वाटर कलर हो, ऑयल कलर हो, कोई ना कोई मीडियम उसके साथ में प्रैक्टिस करते ही रहता है। तो आपकी, जैसे कई लोग पूछते हैं कि आप कितना टाइम देते हैं दिन में, ऐसा कुछ आपका रूटीन फिक्स है कि मुझे आज इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ फिक्स रूटीन है आपका? ऐसा फिक्स ऐसा नहीं है, मतलब बाकी भी घर के भी काम संभाल के ये करना पड़ता है। तो पर कोई एक दिन ऐसे नहीं जाता कि वो दिन मैं प्रैक्टिस ना करूँ। कोई सब्जेक्ट के ऊपर मैं अगर काम कर रहा हूँ, नहीं तो कोई विचार कर रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, तो उसके स्केचेस कुछ ना कुछ चालू रहता है। और जो मेरे में मुझे लगता है कुछ चीज़ों का कमी है, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होता है कि आर्ट देख के लगता है कि पेंटिंग अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं, तो जो खुद आर्टिस्ट काम करते हैं उसे ही पता रहता है कि खुद में जो कमी है वो उसे पूरी कैसे करे। वो वैसे तो मैं है। प्रैक्टिस करते रहता हूँ, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं खुद के वर्क पे हैप्पी रहता हूँ। जब लगता है कि उसमें और काम करना है तो वो प्रोसेस शुरू ही रहता है जो डेवलप करने ओके का। तो यस यस डेली की प्रैक्टिस मतलब जरूरी है। जरूरी सभी है। जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी ये चीज नोट डाउन करनी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। तो अमित जी, आज के जो हमारा जो टॉपिक, मैंने सोचा था कि आर्टिस्ट जर्नी, तो हम बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आपकी जर्नी कैसी रही है। तो शुरू से अगर शुरू करें तो आपका बचपन का वक्त कैसा था? आपके स्कूल का टाइम हो या फिर आपके दोस्तों के साथ माहौल हो, उस समय का कुछ आप बताएं। बचपन का तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा खुद ड्राइंग टीचर हैं, खुद काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनकी वजह से मैं काफ़ी कुछ सीखा, मतलब उन्होंने कभी मुझे ऐसा बोला नहीं कि ये आर्ट कहीं करना है, नहीं तो स्केच करना है, जो भी कुछ करना है वो इस तरह से होता है, वो कभी बताया नहीं था। उनका एक ही था कि जब तू आर्ट स्कूल जाएगा, नहीं तो कुछ भी काम करेगा, तो तेरे हिसाब से ही वो होना चाहिए, जो तेरा लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स होगा, मतलब जो जहाँ पे पढ़ रहा है, जहाँ घूम रहा है, वो एक्सपीरियंस ही ज़्यादा काम में आता है। तो उस तरह से था, मतलब बचपन में मैं बॉर्न हुआ सातारा में, पुणे से नज़दीक है ढोंडे, सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से चारों जगह से, मतलब चारों दिशाओं से पहाड़ है, तो पापा के साथ काफ़ी वक्त मैं घूमता था नेचर में, उनके साथ ऐसे स्केचेस बनाता था जैसे स्कूल में था। और जैसे स्कूल में था, स्कूल में तो काफ़ी मज़ा आता था, जैसे हम रोज़ पढ़ाई करते, कुछ टीचर्स हमें देते हैं कि आज ये होमवर्क करना है, उससे ज़्यादा मेरा उल्टा रहता था कि जैसे नोटबुक वगैरह जो हमें कंप्लीट करनी रहती है, मेरी उल्टी बाजू से ड्राइंग से कंप्लीट होती थी। अच्छा, तो हाँ, पढ़ाई के वक्त भी ड्राइंग मेरे दिमाग में रहता था। चलते रहता। यस यस नाइस। तो आपके दोस्तों के ऐसा साथ कुछ कैसा मोमेंट था? क्योंकि दोस्तों के साथ तो ज्यादा था कि जो हाँ भी अच्छे ड्राइंग करते हैं तो सबको पता रहेगा कि जो क्लास में अच्छा ड्राइंग करता है तो सबके असाइनमेंट ड्राइंग के रहते हैं, तो उन्हीं के पास रहते हैं। इस वजह से एग्जैक्टली। मेरा ड्राइंग भी काफी अच्छा होता था, मेरा प्रैक्टिस स्कूल में भी काफी अच्छा होता था। क्योंकि मेरे मेरे टाइम भी ऐसे ही था, जब दोस्त थे मेरे वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि आज ये बना के दिखा, आज वो बना दे, किसी का टीचर का कार्टून बना दे, तो इस तरीके से काफी मोटिवेट करते थे दोस्त भी। कार्टून तो तो काफी होता था, मतलब टीचर का तो मैं भी बनाता था, काफी मजा आता था, जो टीचर को हम नहीं दिखाते थे पर मैं क्लास एग्जैक्टली में हाँ। बनाता था। यस तो काफी वो जो टाइम होता है अमित जी, मुझे लगता है कि वो चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती है जब हम आगे चल के आर्ट में आगे बढ़ते हैं। यस तो यस स्कूल के टाइम भी हम इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं, मतलब आर्ट को, क्योंकि तो काफी वही लोग वही पूछते हैं कि हम स्कूल में हैं, हम टाइम नहीं दे पाते, तो उनके लिए ये चीज आपके तरफ से एक एडवाइस हो सकती जरूर है कि जरूर वो रहेगी, स्कूल के मतलब दोस्तों आर्ट। के बीच में भी कर सकते हैं। यस यस क्योंकि वही दोस्त हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिसका काम अच्छा हो, मतलब
बचपन में हमें पता नहीं रहता हम प्रोफेशनल ये चूज करने वाले हैं, नहीं तो हमारा वर्क जो रहता है वो तभी रहता है कि बाबा हमारे क्लास में ही अच्छा है, तो दोस्ती की वजह से भी हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है मेरा काम अच्छा है ये और हमें इम्प्रूव करना है, वो उस वक्त पता नहीं चलता, पर अभी बड़े होके जब आर्ट स्कूल में जाते हैं उस वक्त हमें पता चलता है जरूर कि वो भी वक्त बहुत जरूरी था। मतलब आपकी बचपन का माहौल लगभग अच्छा ही था, मतलब दोस्त भी अच्छे थे, काफी आपके अच्छा पेरेंट्स था, भी काफी सपोर्टिव अच्छा था। थे। यस तो यस अमित जी, अगर अगर ऐसा कभी हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं यार अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन लगी हो आपको, उस समय जब आप जैसे एक टाइम होता है ना जब हम बचपन, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर हमें सीरियस होना पड़ता है अपनी लाइफ को लेके कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट यस सिचुएशन, कोई चैलेंजेस आए हो आपकी लाइफ में जो आप शेयर करना चाहें? चैलेंज एक अच्छी बात है, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि 10 के पहले का बात बताता हूँ। जैसे मैं ड्राइंग करता था, ड्राइंग बहुत सारी करता था, सभी मेरी नोटबुक्स पीछे से भरी रहती थी। उसी के साथ मैं स्कूल का कैप्टन था फुटबॉल में, फुटबॉल काफी अच्छा मैं खेलता, स्टेट लेवल तक मैंने खेला था। तब स्कूल में जो सीरियसनेस रहना चाहिए साइंस मैथ्स वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं था, मैं सीरियसली वो बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं था, मैं फुटबॉल के पीछे ड्राइंग से भी ज्यादा उसके पीछे पागल था। पर उस वक्त 10th में मैं फेल हो गया था, 10th के वक्त। तो 10th के वक्त सभी होने के बाद पापा आर्टिस्ट है, टीचर भी है और स्ट्रिक्ट भी थे काम मतलब स्टडी के बारे में, तो उन्होंने समझाया था मुझे कि 10th के बाद कि तुझे जो लाइफ में करना है उस पर फोकस कर, अभी फुटबॉल कुछ दिनों के लिए नहीं तो आगे बंद कर। तो थोड़ा सा मैंने सीरियसली लिया, अक्टूबर में जब जैसे एग्जाम होता है 10th का तब मैंने कंप्लीट किया था, पास हो गया था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था मुझे फाइन आर्ट में ही जाना है, मेरा ज़्यादा जो ये रहता है मुझे लगता है कि इस फील्ड में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस था। और घर में वैसे पापा सिखाते नहीं थे पर उनके पेंटिंग्स नहीं तो कलर्स ये देख के कुछ ना कुछ हम पे इम्प्रेशन होता ही है, तो दिमाग में बैठता ही है कि ये फील्ड मुझे बिना जाके भी लगता था कि इसमें मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा था। पापा का सपोर्ट होना लेकिन बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत वो बड़ी एक, बात हाँ अगर वो थोड़ा सा भी मोटिवेट कर देते तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। है। तो यस 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 लेकिन अमित जी आपकी, चलो बहुत मुझे अच्छा लगा कि पापा इतने सपोर्टिव थे, लेकिन यस कईयों का ऐसा रहता है कि उनके फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहती है, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं खासकर वो ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते अपने बच्चों को, तो हाँ लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्ट के प्रति बहुत रुझान रखते हैं, मुझे आर्ट में जाना है, मुझे आर्ट में आगे बढ़ना है, तो यस उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर क्या किया जाए कि वो, अगर अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो उनको समझाए समझाएं पहले कि क्या किया जाए, उनके लिए आप कुछ बताना चाहते हैं? उनके लिए तो एक तो फर्स्ट मैं बोलूँ किसी पेरेंट को ये नहीं होना चाहिए कि हमारा चाइल्ड जो है वो किस फील्ड में जाए, वो उनको फर्स्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये फील्ड में जाके और वो फील्ड में जाके वो हैप्पी रहे, ये सबसे पहली बात है। नहीं तो फोर्सफुली ये करते कि इंजीनियरिंग में डालो, डॉक्टर साइड में डालो, ये तो सबका रहता है आगे जाके पैसा कमाए हर फील्ड में, मतलब मैं आर्ट में नहीं ऐसे नहीं कहूँगा, आर्ट में भी काफ़ी ऑप्शंस है, अप्लाइड आर्ट है, डेफिनेटली फाइन आर्ट है, वेब डिजाइनिंग, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जैसे कि अगर अप्लाइड आर्ट का हम अगर जान ले कि अप्लाइड आर्ट फर्स्ट मैंने अप्लाइड आर्ट भी किया था, अप्लाइड आर्ट होने के बाद मैंने फाइन आर्ट किया। अप्लाइड आर्ट इतना अच्छा ये है, मतलब आजकल आप देखो कि जैसे एडवर्टाइजिंग के बिना आजकल कोई होता भी नहीं है, मतलब सबसे बड़ा फील्ड मैं मानूंगा कि वो है आजकल, कि वो अगर आप करें जैसे कि डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, कुछ भी हो, सभी फील्ड में आपको एडवर्टाइजिंग की जरूरत है, फाइन आर्ट भी उस तरह से है। पर लोगों को ये जानना चाहिए जरूर कि हर फील्ड के बारे में, क्योंकि आर्ट के बारे में पूरी जानकारी लोगों को नहीं होती है कि आर्ट फील्ड क्या है, सही सिर्फ पेंटिंग बनाए और बात पेंटिंग बना के क्या काम आएगा, ऐसा ये दिमाग में होता है, तो है, उसमें क्या क्या एग्जैक्टली ऑप्शंस है ये अच्छी तरह से अगर जान ले तो काफी सारे लोग अवेयर भी है कि उनको पता है कि आर्ट फील्ड क्या है, उसमें ऑप्शंस क्या है। तो वैसे है जैसे कि इंडिया में काफी सारे इंस्टीट्यूट काफी अच्छे हैं, बहुत इंस्टीट्यूट में अच्छी तरीके से सिखाया जाता है आर्ट के बारे में। तो आजकल भी देखो जैसे मैं लॉकडाउन के पीरियड में मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ इसमें बिजी होते ही है, पर आजकल लॉकडाउन के पीरियड में सभी फ्री है तो
तो आर्ट पेंटिंग स्केचिंग ये चीजें आजकल ज्यादा दिखने जा रही है, तो ज्यादा कुछ चल ना रही कुछ है. सब में, हाँ ज्यादा चल रही है, तो कुछ ना कुछ बात है, तो इसलिए ही चलती है। बहुत अच्छा, मुझे आपका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं जब ये लॉकडाउन बढ़ रहा था तो काफी सारे एक्ट्रेस लोगों ने भी इस चीज को अपना दिखाया कि मुझे पेंटिंग करने का शौक है, तो काफी ज्यादा और लोगों को पता चला है आज के टाइम में कि आर्ट के फील्ड में इतना ज्यादा आगे बढ़ा जा सकता है. अमित जी, आपके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव रहे, ये बहुत अच्छी चीज है. लेकिन कोई ऐसा था जिसने आपको बहुत नेगेटिव बोला हो कभी आर्ट के बारे में, ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ? आर्ट के बारे में कुछ लोग होते हैं, मतलब ये फील्ड में आने के बाद भी होता है, सभी अच्छे ही बोले ऐसे नहीं होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट लैंडस्केप काफी करता था, उसके बाद पोर्ट्रेट्स भी करने लगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं काम करता, मतलब सभी वर्क्स में ऑनलाइन शेयर नहीं करता, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के रहे, इस टाइप के रहते थे। पर जैसे कॉलेज में रहता था तो कुछ लोग होते हैं कि अच्छा काम जो कर रहा है, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा काम अच्छा है, अगर कोई काम भी कर रहा है उसे निगेटिव कुछ लोग बताते, पॉजिटिव भी बताते। उस वक्त हमें क्या लेना चाहिए, हमारा गोल क्या है वो क्लियर होना चाहिए। तो उस वक्त था कि रियलिस्टिक के बारे में ही बताऊंगा कि मैं पार्ट अभी कैसे ये नहीं करता, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अलग है, कॉन्सेप्चुअल अलग है, रियलिस्टिक आर्ट अलग है। और ये हम जहाँ पर रहते हैं, जो एक्सपीरियंस लेते हैं सभी जगह घूम के, ये तो जहाँ पर भी रहते हैं उसके ऊपर हमारा आर्ट डिपेंड होता है। कोई फोर्सफुली आपको नहीं कह सकते कि आप एब्स्ट्रैक्ट करो, आप रियलिस्टिक वर्क ही करो, ये कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये एक होता है। पर जैसे मैं लैंडस्केप करता था उस वक्त काफी लोग बोलते थे, जो लोग लैंडस्केप करते हैं वो लोग पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, और पोर्ट्रेट जो करते वो लैंडस्केप नहीं कर सकते, ये काफी गलत बात है। इसे हर लोग को, हर स्टूडेंट को पॉजिटिवली बताना जरूरी है, क्योंकि हर आर्ट में फॉर्म है, लाइन है, कलर है, तो कोई चीज ऐसे डिफरेंस नहीं, उसे हमने ही पार्ट किया है उसे, कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है, जो रियलिस्टिक करते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता है, एब्स्ट्रैक्ट जो करते हैं उन्हें रियलिस्टिक नहीं आता, इसलिए ये साइड में जाते हैं, ऐसे कुछ भी बात नहीं है। हर एक का ये चीज एक्सपीरियंस, मैंने हर देखी एक की भी है थिंकिंग है। हाँ आपके. हाँ, आपके आपके मैं पेंटिंग्स देख रहा था, मुझे ये चीज अच्छी भी लगी. आपने काफी सारे लैंडस्केप की वर्क डाले हैं, आपने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स डाले हैं, तो मुझे लगा कि हाँ आपने सब सब मीडियम्स को, मतलब सारे सब्जेक्ट मैटर पे आपने काम किया, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी. दैट्स अ ग्रेट थिंग. ओके, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं जर्नी के बारे में. आपके अवार्ड्स, आपके डेमोन्स्ट्रेशन इतने सारे हैं, आपने बताया कि आपकी इतनी एक्सपीरियंस इसमें, तो आपका स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब आपने अपनी अपनी स्टडीज कंप्लीट की, तब आपने अपना पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिया, या फिर किस तरीके से आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस वर्ल्ड में डेमोन्स्ट्रेशन जहां पे? का स्टूडेंट था तभी मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा, मतलब फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन रहता है उस वक्त घबराहट रहती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ रेगुलरली कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा हो रहा है, पर सभी लोगों के सामने अगर मुझे परफॉर्म करना है, उस वक्त अगर वो काम फेल हो जाए, अच्छा नहीं हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे, मतलब ये एक डर रहता ही है। उस वक्त मैंने ये किया था कि खराब हो अच्छा हो कुछ भी हो, पर मुझे करना ये मैंने डिसाइड किया था, स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने किया था वो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद कंटिन्यूस शुरू रहते हैं। और अवार्ड्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है कि अभी तक काफ़ी सारे अवार्ड्स मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पर मिले हैं, पर जैसे कि अभी 100 के ऊपर अवार्ड्स हैं, पर उस वक्त मेरा खुद के लिए एक मानना था कि फर्स्ट अवार्ड जब मिला उसके बाद कुछ अवार्ड्स काम कर रहा था इसलिए मिले, मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी, किसी स्टूडेंट को कभी कभी ऐसे नहीं हो सकता है कि जिन लोगों को नहीं मिलता है उनका काम अच्छा नहीं, ऐसे नहीं है। उस वक्त जब मिलता था मैंने खुद के लिए ये ठाना था कि अगर 100 अवार्ड मिल जाए मुझे खुद के लिए, तो मैं एक अवार्ड मुझे मिला ऐसे ये करूंगा, क्योंकि पहले से मुझे अवार्ड में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मतलब पापा ने पहले से ही बताया था ये कुछ बड़ी बात नहीं है अवार्ड, मतलब क्योंकि जो लोग काम करते हैं उन्हें ही मिलता है, जो नहीं करेंगे उनका कहाँ वर्क, नहीं तो उनका प्रैक्टिस कम होता रहेगा इसलिए नहीं मिलता, एक सिंपल सी बात है। बट उसकी वजह से मुझे ज़्यादा अलग अलग प्लेस पे ऑन द स्पॉट वर्क्स मैंने ज़्यादा किए, ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिशन्स काफ़ी सारे किए। कॉम्पिटिशन्स जाने के लिए उसका फायदा ये था, अवार्ड्स अगर हम हटाएंगे तो उसमें से ज़्यादा अलग अलग प्लेस को विजिट करना, वहाँ का एनवायरमेंट फील करना, वहाँ जाके पेंट करना, वहाँ का कल्चर रहे,
सभी जगह पर अलग अलग एक्सपीरियंस आपको आता रहेगा। मतलब ये अवार्ड को छोड़ के मैं हर बार हर साल 15-20 दिन कोई स्टेट में, अलग स्टेट में जाता हूँ, वहां जाके ऑन द स्पॉट काम करता हूँ। और वहां जाके मेरा मोबाइल टोटली ऑफ रहता है। 5-6 लोग दोस्त हम साथ में जाते हैं, सभी दिन भर हमने काम करने के बाद सभी का डिस्कशन रहता है क्या करना चाहिए आर्ट के बारे में, ये तो हम काम करें उसमें कमी कहाँ पर है, तो इसके ऊपर डिस्कशन काफी अच्छा होता है, उसकी वजह से और काम इम्प्रूवमेंट होता है। तो हर बार अलग सब्जेक्ट मुझे कुछ तो मिले, मैं काफी सारे स्टोन वर्क के ऊपर काम करता हूँ, स्टोन सब्जेक्ट आ जाए। मतलब मैंने स्पेशली ऐसे डिसाइड नहीं किया था, काफी बार काम करने के बाद मुझे लगा कि मेरे काम में स्टोन थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है, मतलब अलग अलग फॉर्म में। तो स्टोन का एक मैंने काफी सारा सीरीज किया था, स्टोन के ऊपर मैं काफी काम करता हूँ, जैसे एक्सपीरियंस अलग मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर हम्पी जाऊँ, महाराष्ट्र में एलोरा है, वहां पर जाऊँ, वहां का स्टोन हम्पी का स्टोन रहेगा। मैं मनाली में गया था हिमाचल में, वहां का स्टोन अलग है। मतलब सभी जगह पे एनवायरमेंट अलग है, सभी का एक्सपीरियंस काफी अलग है। मतलब जहाँ पे धूप ज्यादा है वहाँ वाटर कलर आप कर रहे हो तो आपका पेपर जल्दी ड्राई हो जाएगा। मनाली जब जाओगे, जैसे कि यहाँ पर जल्दी जल्दी आप काम करते हो, आपका हाथ जितना घूमता है, मनाली में जाके वो चेंज हो जाता है। मतलब आपकी लाइन स्लो हो जाती है, पेपर के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, और फ्लो अगर वाटर कलर से आप कर रहे हो पेपर के ऊपर तो वो जल्दी सूखता नहीं है। और हिमाचल में काफी चेंजेस होते हैं, जैसे कि क्लाउड्स भी आ जाते हैं, बीच में ही सनलाइट आता है, बारिश भी आ जाती है। तो अपने इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे स्पॉट है, इतनी विविधता है, तो ये हमें, मुझे लगता है, स्पेशली मुझे लगता है कि ये हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए अगर आप एग्जैक्टली आर्टिस्ट हो। यस मुझे भी ये ऐसा लगता है कि जब हम दूसरी दूसरी जगह जाते हैं तो हमें वहां से जो सीखने को मिलता है वो बहुत मुश्किल है। अगर हम एक जगह पर रह के यस सीखें, काफी यस अच्छी चीज बताई आपने, ये चीज सबको नोट डाउन करनी चाहिए। थोड़ा सा कोरोना का ये सिचुएशन डले तब तो आप बाहर निकलना चालू यस करो, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। अमित जी, कभी आपने इतने सारे आपके इतने सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने इतनी जगह गया है, आपने कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि हाँ ये बेस्ट मोमेंट था, मतलब ये मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता, ऐसा कोई कभी कोई मोमेंट रहा है आपकी मेमोरी में? ऐसे काफी सारे हैं। मतलब हर आउटडोर में एक तो जाता हूँ मैं, जैसे मेरे साथ दोस्त लोग रहते हैं, 5-6 लोग ही रहते हैं, पर हर बार हम काम करते हैं, हर वही ग्रुप होता है। हर आउटडोर में कोई ना कोई एक आदमी वहां का, अगर हिमाचल में जाए, एलोरा जाए, हम्पी जाए, कोई ना कोई एक आदमी रहता है, वो काफी सारी हमें हेल्प करता है। मतलब वो मोमेंट काफी अच्छा। मैं हिमाचल का बताना चाहता हूँ जरूर, कि मैं 2013 में मैं गया था वहां पर आउटडोर करने के लिए, और उस वक्त हम मैं फाइन आर्ट के लास्ट ईयर में था। उसके पहले मैंने अप्लाइड आर्ट 2010 में कंप्लीट किया था। उस वक्त ऐसे हो गया था कि जैसे हमें कुछ पता नहीं है वहां जाके कहाँ रहना है, क्या करना है, सिर्फ दिमाग में एक था वहां जाके सिर्फ आउटडोर करना है, स्टडी करना है बस। तो हमारा टिकट भी, जैसे कि हमारा आधे साल पहले, मतलब जैसे कि दिवाली के पहले कॉलेज रहता है, उसके लास्ट दिन एग्जाम रहता है, और उसके बाद 3 वीक का छुट्टी रहता है। तो एक दिन पहले, जैसे छुट्टी लगी उसके एक दिन पहले हमारा टिकट दिल्ली तक कंफर्म हुआ। हिमाचल कैसे, मनाली जाना, ये कुछ भी पता नहीं था, हमें सिर्फ था कि हम वहां जाए और काम करें। तो टिकट तत्काल में हमारा हो गया, ट्रेन से हम गए थे, क्योंकि ट्रेन में भी ये ज्यादा है, मैंने काफी सारे पोर्ट्रेट्स ट्रेन में किए, चलती ट्रेन में। जैसे आपका अगर सफर हो कि 24 आवर्स, 36 आवर्स, उस वक्त क्या कर सकते हो, अगर आपको मोबाइल का भी ये है, मोबाइल आपके पास ऑप्शन है, तो कितना देर देख सकते हो। तो हम सारे लोग स्केचिंग करते थे, वाटर कलर लाइव पोर्ट्रेट करते थे ट्रेन में। दिल्ली में जाने के बाद वहां से हम मनाली गए। मनाली जाने का भी काफी ये था कि वहां से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली, ऐसा काफी ये था। वहां कहाँ रहना ये कंफर्म नहीं था, पर ये 6 लोग हम गए थे। वहां जाके एक आदमी आया, वो बोला कि आपको रहना है तो जगह चाहिए क्या। तो हम बोले कि हाँ ठीक है, हमें रहना तो है, तो अब सस्ते में अच्छी जगह दिखाए, क्योंकि हमारा पूरा दिन सिर्फ आउटडोर के लिए जाने वाला था, सिर्फ रात को सोने के लिए हम आने वाले थे। तो वहां जाके एक बड़ा रूम, 6 लोगों को रहने के लिए एसी वाला रूम था, वहां एसी की कुछ जरूरत नहीं, तभी भी एसी वाला रूम था। वहां जाने के बाद 600 में हमें एक रूम मिला। कंट्रीब्यूशन हमारा था हर लोग का दिन का 100 रुपए रूम के। ये ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस है ना, काफी कुछ सिखा सकते हैं हमें, कि अगर आपको कुछ भी चीज करनी है, वहां हमारा
अच्छा आउटडोर हुआ, काफी अच्छा वर्क्स हुआ, वहां जाके काफी सारे अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं आपको। आपका गोल अच्छा है ना कि आपको काम ही करना है अच्छी तरह से, तो आप कुछ भी करके वो कर सकते हो। तो कोई ऐसी चीज बीच में नहीं आ सकती कि आप कुछ रीजन आपको ये नहीं देना है कि नहीं यार मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे जाओ उधर जाके कैसे रहो। आपका सिर्फ एक रहे एग्जैक्टली कि आपको जाके काम करना है तो कैसे भी कर सकते हो। ऐसे काफी बहुत सारे अच्छी चीज है भाई। एक्सपीरियंस है। यस ओके ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि जब हम हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ जाने वाले, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे वहां, लेकिन हम निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो बन जाता है, वहां जुगाड़ हो जाता है कि चल जाएगा। तो वही ये वही चीज बहुत अच्छी लगी। और अमित जी, जैसे आप लोगों का तो ग्रुप था, ये आप लोगों की बहुत अच्छी चीज है कि आपने एक ग्रुप बना के रखा है ताकि एक दूसरे को हेल्प कर सके। पर कईयों के ऐसे दोस्त यार नहीं होते जो आर्ट में इंटरेस्टेड हो और वो आर्ट कॉलेज में भी नहीं जा रहे होते, तो उनके लिए कोई सुझाव आप देना चाहेंगे कि कैसे वो अपना ग्रुप बनाए या फिर अकेले जाए या किस तरीके से वो आर्ट की इम्प्रूव करें डेली लाइफ में? ओके। तो अगर आर्ट कॉलेज में है, फाइन आर्ट में है, तो काफी अच्छी बात है कि ये तो पता चल जाते कोई लोग अच्छे काम करें। स्टूडेंट होते वक्त ये चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि 10th तक हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, सबका माइंडसेट ये रहता है कि कॉलेज जाके थोड़ा सा आराम रहता है, ज्यादा काम नहीं, और जिनका पढ़ाई अच्छा नहीं इसलिए आर्ट कॉलेज में जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी फील्ड से ज्यादा सही मुझे बात, लगता है आर्ट में बिल्कुल सही काफी बोला। सारी स्टडीज है आजकल। बहुत मैं इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, बीच में मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था कि एक ट्रेस करके नहीं तो ग्रिड डाल के पोर्ट्रेट बनाना, नहीं तो कोई भी ड्राइंग बनाना एक आर्ट है क्या। मैंने जानबूझ के मैंने ये डाला था, काफी सारे अच्छे उसके ऊपर रिप्लाई आए थे। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि ऐसे आर्ट एक सिंपल बात नहीं है, उसके लिए काफी सारी मेहनत है, काफी सारे विचार हैं। तो बाकी फील्ड से मुझे लगता है बाकी फील्ड में स्टडी है ही, पर उसी तरह से यही फील्ड में ज्यादा स्टडी भी है। तो उस वक्त हम थोड़ा सा स्टूडेंट अगर है तो उस वक्त थोड़ा सा सीरियस ले कि जो लोग अच्छा काम करते हैं तो कोई भी हम अच्छा नहीं करते, कोई दूसरा अच्छा करता है, उनके साथ किस तरह से हम अगर बात शेयर कर सकते हैं आर्ट की, नहीं तो उसे कैसे डेवलप करें, ये पॉजिटिवली स्टडी के साथ कर सके तो अच्छा ग्रुप बन सकता है। मतलब मैं जब बैचलर था उस वक्त काफी लोग मेरे जूनियर मेरे रूम पे रहते थे, तो एक क्लाइमेट था कि जूनियर अगर कोई लड़के है तो उनको रूल था कि रोज 10 स्केच बना के ही रूम में एंटर है, और उस दिन बना नहीं तो वाह आप बाहर कहाँ पर भी सो जाओ, मतलब ये था। पर वाह, रूम के जो दोस्त थे, मतलब जूनियर दोस्त थे, उन्होंने काफी सारा अच्छा फॉलो किया, वो काम भी अच्छे करते हैं अभी भी। मतलब ये रूल इसलिए बना रहा था कि लोग काम अच्छा करें। स्टूडेंट वर्क आप अगर 5-6 साल ही आप लेते हैं स्टडी के लिए, अगर 5-6 साल 10 साल हो, उस वक्त आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, उसके ऊपर ही आपका डिपेंड होता है आगे का लाइफ। आप पैसे कैसे कमाओगे उसको अगर सीरियसली नहीं लिया, तो बाद में आप ही बोलते हो कि आर्ट में कुछ नहीं है, आर्ट में पैसे नहीं है, ये नहीं है। आर्ट एग्जैक्टली में काफी सारी चीजें हैं, अगर आप 5-6 साल वो वेस्ट कर रहे हो, अच्छी लगन के साथ काम नहीं कर रहे, तो वो वेस्ट ही जाएगा। बहुत अच्छी चीज बताई आपने। मुझे भी यही लगता है कि जैसे हम लोग बाकी चीजों को सीरियसली लेते हैं, जब हम सुनते हैं कि कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो हम लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये अच्छी लाइफ है, लेकिन उस तरीके की मेहनत भी होती है। और वैसे ही अगर हम आर्ट में उतना ही मेहनत दें तो हम अच्छा एक स्कोप बना सकते हैं। और ये चीज आपने जो हाँ बताई वो बहुत अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो सबको माननी चाहिए। अगर आप आर्ट में जा रहे हो जो कि व्यूअर्स हैं, तो आपको हाँ सीरियस लेना पड़ेगा आर्ट को भी बाकी फील्ड की तरह। नोट डाउन आप जरूर करना अमित जी की इस बात को। नहीं और जरूर अमित जी, आपकी लाइफ में और कौन ऐसे कोई पर्सन रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको बहुत इंस्पायर किए हो, आपके दोस्त हो या फिर आपके पेरेंट्स के अलावा कोई हो जो ऐसे टाइम में आपको इंस्पायर किए हो, जब आपको लगा हो कि किसी के साथ की जरूरत है ऐसा कुछ? काफी सारे, इसमें भी कॉलेज के काफी सारे प्रोफेसर थे। एक अरविंद कोळबकर सर करके अभिनव कॉलेज में काफी अच्छे टीचर हैं, उनकी तरफ से मैं काफी सीखा। मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, और गुरुजी भी है प्रमोद कुरलेकर सर, मेरे गांव से ही है, और हम काफी बार एक साथ रहते हैं, काम के ऊपर डिस्कस करते हैं, पॉजिटिवली हमारा डिस्कशन होता है आर्ट के बारे में। जैसे काफी सारे लोग हैं, सत्यजीत वरेकर है, अच्युत पालो सर कैलीग्राफी करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मैं रियलिस्टिक वर्क करता हूँ तो रियलिस्टिक टाइप के ही मेरे कोई दोस्त, नहीं तो सीनियर्स रहने चाहिए। तो
तो अलग अलग फील्ड के, जैसे कि अच्युत पालव सर है वो कैलीग्राफी करते हैं, उनका काम करने का तरीका काफी अच्छा है, कैलीग्राफी का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अलग है, कॉम्पोजिशन का सेंस काफी अलग है। ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी लोग रहते हैं इनकी तरफ से कुछ ना कुछ छोटी ना छोटी चीज हमें मिलती है, इसकी वजह से हमारा काम और डेवलप होते रहता है। जैसे काफी सारे लोग मिले काम करने में, मेरी माँ भी है, मेरी माँ गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सातारा में ही रहती है, वो आर्टिस्ट नहीं है पर उसके वजह से मैं काफी लाइफ की चीजें है वो काफी सीखा, पापा की तरफ से सीखा। मेरे पापा, जब पापा के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत मोटिवेशन था, ये बाकी लोग तो है कि जैसे टीचर्स लोग थे इनकी वजह से मैं काफी सीखा। पापा का एक मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिस कॉलेज में था उस कॉलेज में हाँ एडीडी और फाइन आर्ट सॉरी मेरे पापा ने वहां पर ही किया। जहां पे कॉलेज था वहां से 18 किलोमीटर वो रहते थे, उस वक्त सुबह से 7 बजे कॉलेज रहता था और 18 किलोमीटर वो साइकिल से आते थे। और उनका ये काफी अच्छा नहीं था, मतलब जैसे कि काम करना पड़ता था, जैसे कुछ पत्थर उठाओ वगैरह, ऐसे कुछ काम शुरू में उन्होंने किए कॉलेज के वक्त की, दिन के 50 पैसे मिलते थे उनको, और 18 किलोमीटर साइकिल पे आना वो बड़ी बात थी उस वक्त बहुत भी, बड़ी बात आजकल भी बहुत किए। तो उन्होंने उनका सभी ये बताया था, उस वक्त मैं बैनर करता था, पापा बोलते थे कि कुछ गिने चुने पैसे मिलते थे, काफी आर्टिस्टों के साथ काम किया, काफी गणपति डेकोरेशन में काम किया, ऐसे बहुत उनके कुछ एक्सपीरियंस है। उसकी वजह से ये और मुझे लगता रहा कि मुझे और काम करना है, मतलब मेरे पापा और मम्मी भी गवर्नमेंट सर्वेंट है दोनों भी, पर उस वक्त जैसे मैं कॉलेज में था तो मम्मी की वजह से मैं काफी अच्छा सीखा। मम्मी ये कहती थी कि मैं जहाँ पे रहता था और जहाँ पर मेस था मेरा उतने ही पैसे मुझे मम्मी देती थी, और उसके बाद जैसे मैं शुरू में था कॉलेज में अप्लाइड में शायद 2006-07 में वगैरह में रहूंगा पुणे में, तो आते वक्त खर्चा बहुत था, और आर्ट में तुम्हें भी पता कि एक पेंसिल लेनी है तो कितना खर्चा है, अच्छा पेपर लेना है तो कॉस्ट ज्यादा ही होती है। उस वक्त मैं मम्मी को मांगता था, मम्मी दे नहीं सकती थी ऐसा कुछ नहीं था, पर मम्मी का यही था कि तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, नहीं तो वो छोड़ के घर आ जाओ, मैं इतना नहीं दे सकती, ये स्ट्रिक्ट था। पर मुझे ये बार बार ये होता था कि मैं झगड़ता था, नहीं मुझे चाहिए थे, तो बाद में मैंने ही ऑप्शन निकाला, अगर मुझे काम करना है अच्छा तो मुझे ही कमाना पड़ेगा। उस वक्त कुछ बर्थडे पार्टीज रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट रहते थे, उस वक्त मैं स्केचिंग नहीं तो कैरिकेचर्स के लिए जाता था, उसकी वजह से भी मेरा कैरिकेचर रहे, कैरिकेचर भी मैं काफी करता था, अभी भी करता हूँ पर वो थोड़ा सा परसेंटेज कम हो गया, स्केचिंग करता था, उसकी वजह से डेवलप होने का तरीका वो भी एक था, उसकी वजह से कुछ पैसे भी मिलते थे आर्ट के लिए, जैसे मैं मटेरियल अच्छे अच्छे खरीदूं नहीं तो जो भी चीज करूं पर पैसे मिलते थे। मैं उस वक्त आर्चीज पेपर भी वाटर कलर का मुझे अगर लेना था तो उस वक्त शायद 280 या 300 में एक फुल इम्पीरियल शीट मिलता था, उस वक्त ये था कि अगर ये खराब हो जाए तो 300 रुपये मेरे गए, तो बर्बाद हो उस तरह से मैंने सोचा था कि अगर मुझे जो भी करना है, मम्मी पापा तो दे रहे कुछ दिनों तक देंगे पर आगे जाके मुझे ही करना है, तो जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक हुआ तो उसके बाद बहुत ज्यादा काम आने लगे, कॉन्टेक्ट बढ़ने लगे, इस तरह से कुछ ना कुछ ऑप्शन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आर्ट हम शुरू में करते हैं, सभी लोगों को ऐसी जरूरत नहीं है कि आपका ही आर्ट लेना है, क्यों लेना है वो एक क्वेश्चन है, अगर आपको आपका आर्ट सेल भी करना है जो भी है, आपको कभी ना कभी तो ये करना है, आप ऐसे नहीं कह सकते आपके पास ज्यादा पैसे हो तो आप सेल नहीं किया तो भी चिंता नहीं है, अगर आपको आगे बढ़ना है कुछ कंपटीशन की तरह से, नहीं तो कोई क्लाइंट्स ज्यादा बनाओ, इस तरह से आपको बढ़ना चाहिए, तो इसी तरह से हमें खुद को डेवलप करना चाहिए। ऐसे कॉन्टेक्ट बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी आर्टिस्ट को काम की कमी रहेगी, तो ये चीजें हम भूल जाते हैं काम करते हुए, काफी लोगों को मैंने देखा है काफी सारे काम करते पर ये फाइनेंशियल चीज है वहां ये करते, मतलब ध्यान नहीं देते, तो उस वक्त ध्यान नहीं बोलते हैं देते। कि आर्ट में ज्यादा पैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे होता है, काफी लोग बोलते हैं कि ये करियर करने के लिए अच्छा है या नहीं आप सजेस्ट करो, मतलब ये बताने का ऐसा ये नहीं है कि ये अच्छा है या नहीं, ये खुद के ऊपर भी डिपेंड है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ ये फील्ड अच्छा है, उसके आगे आपको जो भी करना है वो आपके ऊपर है, मेहनत के आपका ऊपर नेचर है,
आपका काम रहे, आप सभी लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, आपका कांटेक्ट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड है। बिहेवियर वाली बात तो अमित जी मुझे भी लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो इंटरनेट का जमाना है, हम किसी से भी थोड़ी सी भी अगर हमने ठीक से बात नहीं की या कुछ गलत सब बोल दिए, तो वो सामने वाले के पास नहीं रहेगा, वो सामने वाला और 100 लोगों तक वो बात पहुंचा देगा, तो एक कनेक्शन बिगड़ जाता है। ये चीज यस बहुत यस इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। और एक चीज यस मुझे आपकी और एक चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि आप अपने वर्क पे भी इतना ध्यान देते हो, आप अपने वर्क को भी अपडेट रखते हो, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम वगैरह जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें भी आप एक्टिव रहते हो, तो ये सारी चीजें आप जो मैनेज करते हो, इसके ऊपर आप कुछ छोटी सी बात बताइए, जो जो बिगिनर्स हैं जो या फिर आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, कि उनको सब चीज मैनेज करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप थोड़ी सी थोड़ा सा मतलब ड्राइंग किया टाइम वेस्ट कर रहे हो बाकी टाइम, ऐसा नहीं, इस तरीके से जैसे आप इतना कुछ मैनेज करते हो उसके उसके ऊपर कुछ बताइए थोड़ा सा। मतलब अपडेट तो मैं रहता हूँ कि सभी जगह पे, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह। आजकल वही है कि आप अगर दिखाओगे नहीं तो दिखोगे नहीं, वो एक बात है। तो जैसे कि आपके लाइफ में, लाइफ आपका एक डिजाइन ही है, तो उसे किस तरह से आप डिजाइन करते हो वो सबसे पहली बात है, पहली स्टेप है। उसे डिजाइन करना काफी जरूरी बात है। आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना, मुझे पर्सनली लगता है कि आप सिर्फ शो के लिए कोई आर्ट कहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए अपलोड करने के लिए काम कर रहे हो, वो गलत बात है। तो आप जो फील कर रहे हो, जो भी पेंट कर रहे हो, वो अच्छी तरह से प्रेजेंट करो कि जो लोगों के सामने भी आए, आप क्या कहना चाहते हो वो भी समझे। ये फर्स्ट पहली बात है। उसके साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। आप काम करते हो वैसे ही रख देते हो, ये गलत बात है। कुछ अगर क्लाइंट्स भी है उनको मेल करना, नहीं तो फेसबुक व्हाट्सएप है, नहीं तो इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर अच्छी तरह से आपके काम के ऊपर लिखना। नहीं लिखा तो भी आपके काम के काम को देखे काफी लोग समझ सकते कि आपको क्या बताना है। तो अच्छी तरह से ये मैनेज करना काफी जरूरी है। मैं हर वर्क होने के बाद मेरे फोटोग्राफ्स और एक फोल्डर अच्छी तरह से रखता हूँ, जैसे कि मीडियम से पेंसिल है, वाटर कलर है, एक्रेलिक है, ऑयल कलर है, इन सब के अलग अलग फोल्डर्स रख के उसके यहाँ पर मैं अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन बना लेता हूँ। तो आगे किसी क्लाइंट को भी मुझे अगर दिखाना है, गैलरी को दिखाना है, नहीं तो ये सब छोड़ के मुझे भी देखना है मेरे ऑयल के वर्क्स, वाटर कलर के वर्क्स, तो वो मुझे इजी जाए। तो इसी तरह से डिजाइन करना काफी जरूरी है। मैं तो ये चीज करता हूँ, उसके साथ मेरी वाइफ ग्राफिक डिजाइनर है, वो भी काफी सारी हेल्प करती है इस चीज में मुझे, उसको ऑफिस का वर्क संभाल के ये भी देखती है। ये जरूरी दैट्स अ है। ग्रेट पॉइंट, बहुत जरूरी है। यस दोस्तों जो भी आप देख रहे हो आप समझो कि आपको मैनेज करना है सारी चीजों को, सारी चीजें मेहनत करते रहनी है, बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट है डिजाइन वही है, अमित जी। मतलब हम अगर खुद को अगर देखते हैं ना, जैसे मिरर में हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मेरा बियर्ड ठीक है, हेयर स्टाइल कैसा है, कहाँ पर अगर शाइन है तो थोड़ा सा पाउडर लगाओ। लड़कियां भी काफी सारे मेकअप करती है, वो भी एक डिजाइन ही है। हम वर्क करते वो भी डिजाइन है, उसी तरह से हम अगर उसे देखे तो काफी इजी हो जाता है ये चीज। काफी अच्छा पॉइंट दिया, एग्जांपल दिया आपने। अमित जी आप जैसे वाटर कलर के एक्सपर्ट है, अगर मान लीजिए किसी को वाटर कलर में काफी दिलचस्पी है, वाटर कलर में आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से उसको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अच्छा वो वाटर कलर आर्टिस्ट बन सके आगे? वाटर कलर के पहले मैं बताता हूँ कि पहले सबसे अच्छा ड्राइंग एंड स्केचिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्राइंग किस तरह से होना चाहिए ये जरूरी बात है, उसे किस तरह से किया जाए, किस तरह से मेथड यूज करें। जैसे ड्राइंग आपका अच्छा है, ड्राइंग अच्छा है तो ही वाटर कलर अच्छा हो सकता है। कोई वाटर कलर अच्छा यूज करता नहीं तो उसके वाटर कलर के फ्लोज अच्छे है और ड्राइंग गलत है, तो वो पेंटिंग में इतना मतलब इतना पावरफुल नहीं तो इतना इम्पैक्ट नहीं आपको ये होगा कि हम सही करें या गलत करें। वाटर कलर के पहले ड्राइंग के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। जैसे मेरे अभी ऑनलाइन वर्कशॉप्स रहते हैं, फर्स्ट में सेशन में काफी सारे ड्राइंग के ऊपर मैं काफी सारा डिस्कशन करता हूँ। बहुत बार हम काम करते हैं, ड्राइंग सही तरह से तरीके से नहीं बना पाते, तो उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, फॉर्म्स है, लाइन्स है, कॉम्पोजिशन है, तो ये चीज के ऊपर फर्स्ट हमें फोकस करना चाहिए। और उसके बाद वाटर कलर जिस तरह से करते हैं उसमें भी कुछ स्टेप्स है, उसकी वैल्यूज है, किस तरह से अलग अलग रेंडरिंग टेक्निक्स है, ये अच्छी तरह से बेसिक जब आप स्ट्रांग करोगे तो कोई भी चीज आपको पेंट करनी है तो वो ऐसी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो मैं बेसिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ कि बेसिक
हमारा स्ट्रांग हो, बेसिक स्ट्रांग पॉइंट हो पॉइंट तो ही स्ट्रॉन्ग अच्छे होता काम करो। यस तो अपने वही देखते हैं। कमर। मैं बीच में भी देखा था काफी सारे लोग वर्क करते, वर्कशॉप भी लेते काफी सारे लोग, मैंने बीच में देखा था। नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर एक गलत बात लगी थी कि ग्रिड बना के आप ड्राइंग करते और वाटर कलर के क्लास लेते हो, ये कितनी गलत बात है। मतलब आप इसका फायदा क्या है? जैसे स्कूल में हमें रहता था कि ड्राइंग बना के मिलता था और उसके ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन बढ़े इसलिए वो तभी ठीक थी वो बात। उसके आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम थोड़े से बढ़ते हैं, जैसे इलेमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम्स रहते हैं स्कूल में, और उसके बाद आप प्रोफेशनल होके भी ग्रिड बना के ड्राइंग करते हो। तो हम ऐसा क्यों मानते कि हमारा वाटर कलर अच्छा है, नहीं तो ऑयल कलर अच्छा है, पर ड्राइंग करने वक्त आप ग्रिड क्यों यूज करते हो? उस वक्त आपकी प्रैक्टिस जो है कहीं ना कहीं तो कम है, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल अच्छा फोकस किया जाए। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए कि हमारा काम हर काम अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं। गंदा हुआ खराब हुआ तो भी चलेगा, पर वो कोशिश तो करनी चाहिए। क्यों हो रही है, खराब क्यों हो रहा है हमारा आर्ट, इसके बारे में हम अगर डिस्कस ही नहीं करेंगे तो वही चीज है जब बचपन में हम करते थे, ड्राइंग रेडीमेड मिलता था उसके ऊपर सिर्फ कलर फिल करो बस, कलर कर। वही है। हाँ ये बहुत अच्छी पॉइंट तो बोली। मैं भी हाँ काफी लोगों को, मैं भी आपने जो पॉइंट बताया ना, अमित जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो क्योंकि बहुत बहुत है। ग्रिड ग्रिड शुरू में कर लिए चलो ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद हाँ आपको फ्री हैंड स्केचिंग करनी ही पड़ेगी, बहुत जरूरी करनी है। पड़ेगी। और उसका आपने यूज भी कब बहुत होता था, जैसे कि ओल्ड मास्टर्स आप अगर देखोगे, इंडिया के रहेंगे बाहर के भी रहेंगे, ग्रिड कब यूज करते थे? उनको बड़ा से बड़ा अगर पेंटिंग भी करना था, बहुत लाइफ साइज रहे, नहीं तो 20 बाय 40 फीट, नहीं तो ऐसे जितने बड़े रहते थे तभी भी उसके वो ग्रिड यूज करते थे। वो क्यों यूज करते थे आर्टिस्ट? फर्स्ट वो छोटे पेंटिंग्स वो बनाते थे खुद से अच्छी ड्राइंग के साथ, बिल्कुल और वो पेंटिंग को ग्रिड बना के फिर वो एनलार्ज करते थे। मतलब पहले स्टडी करके ही वो करते थे। स्टडी किया पहले। हाँ इसलिए वो करते थे। आजकल छोटा भी वर्क करना है, मुझे बहुत ये लगता है कि इतने से साइज में 1 बाय 2 नहीं तो 2 बाय 3 साइज में आप अच्छी तरह से ड्राइंग नहीं बना सकते वहाँ। मतलब बहुत ही छोटा साइज है, इसमें आप ड्राइंग नहीं बना सकते तो बहुत डिफिकल्ट बात है, उसमें मेहनत काफी कम लग रही है। काफी सारे आर्टिस्ट बड़े बड़े वर्क्स भी डायरेक्टली फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आने के लिए मेहनत उतनी लेनी जरूरी है। तो और कोई भी फ्री फील्ड हैंड में में वैसे मजा ही है भी बहुत कि आता है, फ्री बहुत है बहुत है। हैंड में जैसे मजा कि बहुत आता है। मैं इसमें भी देखता हूँ कि काफी सारे इंस्पिरेंसेस ऐसे भी है कि मुझे माइकल जैक्सन भी काफी पसंद है। माइकल जैक्सन का मतलब बहुत सारे ऐसे है, पर माइकल जैक्सन जैसे देखो कि उसका डांस देख के ऐसे लगता है कि वो एफर्टलेस है। मतलब कोई उसका ये या नहीं रहता है कि ये इजी वो कर पाता है, उसकी मेहनत इजीली उसके कर रहे हैं। पीछे है, वो भी हमें देखनी चाहिए। आजकल काफी डांस भी करते हैं माइकल जैक्सन जैसा करते हैं, पर उसका मेहनत पहले हम अगर देखे तो उसमें भी काफी उसकी मेहनत है, तो ही वो कर पाता है। बहुत आपने आज इतने सारे पॉइंट्स जो बताया वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोगों को बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच अमित जी। ओके, मैंने लगभग आपसे सारे सवाल पूछ लिए हैं और यस मैं आपसे और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट में एक छोटा सा फन पार्ट, ताकि यस आपको यस आपके बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे इस कुछ सवाल की यस वजह से। आपकी लाइफ की कोई सी एम्बैरेसिंग मोमेंट, जब आपको लगा कि यार बहुत शर्म आई, कुछ ऐसा हो गया आपके साथ, कोई ऐसा फन में, ऐसा होता है ना कहीं दोस्त दोस्तों के बीच में कोई कोई बेइज्जती हो गई, ऐसा कुछ? ऐसा याद नहीं, पर काफी पुरानी टाइम में ऐसा रहेगा, पर काफी टाइम बीच में दिख जाए, पर ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं। काफी सारी चीजें रहेंगी पर अभी याद नहीं आ रहा मुझे ओके ओके, नो एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम। मोमेंट। हाँ कोई फेवरेट मूवी कैरेक्टर, कोई सुपर हीरो हो या कोई ऐसा मूवी कैरेक्टर जो फेवरेट मूवी कैरेक्टर? मूवी कैरेक्टर आज रियलिस्टिक हीरोज मुझे काफी अच्छे लगते हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन हो, नसरुद्दीन शाह हो, मनोज वाजपेयी हो, इस टाइप के मुझे हीरोज काफी सारे पसंद हैं उनके। मतलब वो रियलिस्टिक लगते हैं, मतलब एफर्टलेस काम है उनका, ऐसे बहुत पसंद है। ओके और बाहर का अगर कोई नाइस। मूवी रहे तो कास्ट अवे एक मूवी है वो काफी मुझे पसंद है, कास्ट अवे अच्छा लगता है। अगर अगर आप अगर आपको बोला जाए कि आप फेमस हो जाते हैं किसी दिन बहुत ज्यादा, लेकिन आर्ट के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए, तो वो कौन सी चीज होगी जिसके लिए आप फेमस होना चाहेंगे?
फुटबॉल फुटबॉल ओ ग्रेट ग्रेट हाँ दैट्स नाइस। ऐसा कोई सेलिब्रिटी, कोई हीरो हो या कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? बहुत सारे हैं आजकल, मतलब जो फेक इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे फेक आते हैं सिर्फ अपना पब्लिसिटी करने के लिए, कुछ भी बोल देते हैं इस टाइप की, मतलब पता नहीं। पर एक ये बोल सकते हैं राखी सावंत जैसी है कि किसी चीज की पता नहीं रहता है पर वो बोल देती है, इस टाइप के ओके आप कह सकते हैं। ओके नाइस। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गलती कर दी हो और आपने अपना गलतियों का इल्जाम किसी और पर डाल दिया हो? काफी सारे बात, मतलब एक एक मेरा दोस्त था, एक मतलब बहुत बड़ा ये था, एक मेरे दोस्त ने एक मॉल से ये किया था, मतलब ग्लास चुराया था, मतलब वहां पे काम करने के लिए वो गया था और उसने वो ग्लास ऑयल कलर के लिए लाया था, वहां छोटा सा पड़ा था, उसने हमें बताया था। हमने फिर दूसरे दोस्त को कहा था कि उसे फोन करो, मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ मॉल से, अभी पुलिस यहाँ पर आई हुई है, आपके ऊपर केस होगी, आपने यहाँ से ग्लास लेके गए हैं। और वो ग्लास लेके पूना से उसके गांव गया था, गांव से वापस उसे बुलाया था। तो ऐसे नाइस चीजें तो काफी हम करते थे क्लास में, नहीं तो हमारे रूम में। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि एक दिन के लिए आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो, तो कौन सी ऐसी पहली चीज होगी जो आप लेना चाहोगे? लूर म्यूजियम मुझे यस जरूर बुलाइएगा। यस अच्छा, अगर आपको मूवी का मौका मिले, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जैसी है, आप जरूर एक हीरो भी बनेंगे मुझे लगता है, तो आप किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? एक्ट्रेस वही की जो सीरियस ये हो कि उसे काम में, अगर अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसके साथ ऐसा नहीं, पर मुझे एक्टिंग के तौर पर कंगना का एक्टिंग काफी पावरफुल है, कंगना रनौत का। आजकल उसका ज्यादा ही ये होता है इंटरव्यू वगैरह, काफी सारी चीजें हैं, पर मुझे एक एक्ट्रेस को काफी अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग में दम है। यस एक लास्ट सवाल और एक ये भी या है, विद्या बालन काफी पावरफुल एक्ट्रेस है, विद्या बालन का भी काफी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल अमित जी। सक्सेस आपकी नजरिए में सक्सेस क्या है? पर आप बताएं कि सक्सेस आपके लिए क्या मायने रखता है? जिस चीज में आप खुश हो वो सक्सेस है, मतलब जब आप खुश ही नहीं हो तो आप सक्सेस समझ ही नहीं सकते ना। हर चीज में मुझे लगता है कि सक्सेस जानबूझ के नहीं मिलाया जा सकता कि ये मुझे मिल गया तो मैं सक्सेस हो गया, ऐसे नहीं है। काफी सारी चीजें, जैसे कि मैं एक बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर में कतर में गया था, कतर में नेटवर्क का इश्यू आ रहा है शायद। अभी ठीक है। हाँ 3 मंथ्स के लिए मैं कतर में प्रेसिडेंट का एक वर्क था, बड़ा 10 बाय 17 फीट का ऑयल कलर था, उसमें काफी सारे फिगर्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, वो वर्क किया था। मैं उस वक्त नहीं कहूंगा कि वो मेरा सक्सेस है, वो एक वर्क था, मैं हैप्पी था वहां पर काम किया। ऐसे और कई मौके मुझे मिलने चाहिए, मुझे खुद से मिलना चाहिए और वर्क करते रहना चाहिए। अगर एक ही चीज में मैं खुश हूं तो आगे मैं और वर्क ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, उसी खुशी को सक्सेस में मानूंगा। तो ये चीज एक मेरे लिए एक पार्ट थी, ऐसे काफी सारे पार्ट्स मुझे और कंप्लीट करने, तब मैं खुश हो सकता हूँ। बहुत अच्छी चीज, लेकिन मुझे ये सब बहुत सबसे अच्छा पॉइंट लगा आपका कि खुशी जिसमें है वो एक्चुअल में सक्सेस। बहुत गजब का पॉइंट है ये। थैंक यू यस सो यस मच अमित जी, आपसे बात यस करके मुझे थैंक बहुत यू, अच्छा लगा, मुझे भी एंड अच्छा लगा। कोशिश रहेगी कि मैं आपसे कभी मिल सकूं, कोरोना का पीरियड खत्म जरूर हो जाए जरूर जल्द। मिलेंगे ओके चलिए, अभी मैं यस। और सबको आपसे वापस एक ये कहना चाहूंगा कि जो आर्ट लवर्स है, काम काफी अच्छे तरीके से करे, अगर कोई पेरेंट्स है वो भी इस फील्ड को अच्छी तरह से समझे और उस फील्ड में डाले। और जो आर्ट अच्छे करते हैं, काम में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, मुझे काम अच्छा करना चाहिए,
बाहर जाना ही मतलब सक्सेस नहीं है, नहीं तो बाहर जाके ही काम करने से ये नहीं है। हमारे इंडिया में मैंने काफी सारे अब तक 10, 20 वगैरह 15 वगैरह स्टेट मैंने ये किए रहेंगे कि घुमा हुआ अभी तक। तो भारत में इतने सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग कल्चर है। एक टाइम भी मुझे कभी कहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं आया कि अपने भारतीय लोगों की वजह से मुझे तकलीफ हो काम में। जहां पर भी जाओगे वहां पर ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपको और मदद करते हैं। तो जितना ज्यादा आपको पॉसिबल हो उतना अपना जो भारत है वो अच्छी तरह से घूमे, समझे, हर बिल्कुल कल्चर का आनंद ले। यस बिल्कुल, बहुत अच्छी पॉइंट है। एक बार लॉकडाउन खत्म हो, मैं खुद बहुत घूमता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं जाऊँ। तो मुझे आपकी ये बात मतलब लग रही है कि हाँ, एक बहुत अच्छी बात लग रही है। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं जरूर निकलूंगा, पहले तो घर से। ओके अमित थैंक जी, अब यू। आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। थैंक यस, यू जरूर। सो मच, थैंक यू सो यस, मच थैंक यू। फॉर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, यस यस जरूर मिलेंगे हम।